हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, कल सीटेट का रिजल्ट आ गया है, आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा अपना सीटेट का रिजल्ट। तो इस बार सीटेट का रिजल्ट काफी बेकार आया है, मतलब काफी कैंडिडेट का क्लियर नहीं हुआ है पेपर, और बहुत कम कैंडिडेट है जिनका पेपर इस बार पास हुआ है। और जो पेपर टू है उसमें तो और भी कम कैंडिडेट ने पास किया है पेपर। तो हाँ, पेपर इस बार थोड़ा टफ था, थोड़ा क्या, काफी टफ था। तो इस बार काफी कैंडिडेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जल्दी ही आपको अक्टूबर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीटेट का, और दिसंबर या जनवरी में पेपर भी हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का पेपर है, साल में 2 बार होता है। तो अगर आप लोग रह गए हो इस बार, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, छोड़ना मत पढ़ाई करना, और फिर अच्छे नंबरों से पास कर लेना सीटेट। और जिनका तो सीटेट क्लियर हो गया है, उनको कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। सबको पता ही है कि सीटेट जो पास करना बहुत जरूरी है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। तो सीटेट के बिना तो आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते, और सीटेट बहुत सारी मतलब जॉब में जरूरी है, जैसे KVS, नवोदय, EMRS, चंडीगढ़ TGT, जैसे PGT के और PRT के निकलते हैं, और साथ में DEE++ भी, आर्मी पब्लिक स्कूल में, इन सब में मतलब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हैं उन सब में सीटेट मांगते हैं। तो आप लोगों का सीटेट पास होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो आप आगे की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जिन जिन का तो सीटेट क्लियर हो गया है, वो तो अपनी आगे की एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाएगी, जैसे कि DEE++ भी है, और KVS के भी नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी अभी निकलेगी, तो अभी तक तो नहीं निकली है, बट आई होप कि आने वाले मंथ में निकल जाएगी। तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जब वैकेंसीज आती है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। एटलीस्ट कॉमन सब्जेक्ट तो आप लोग अपने प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, ये तो आप अपने प्रिपेयर कर ही सकते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, इनका सिलेबस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। बाकी हो TGT PGT में जरूर शायद सब्जेक्ट के सिलेबस में थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन ये कॉमन सब्जेक्ट है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जिनका नहीं क्लियर हो वो अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, अपना अच्छे से स्ट्रिक्ट अपने डिसिप्लिन बनाइए, और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, और कोशिश करिए कि एक ही बार में आपसे क्लियर हो जाए आपका सीटेट, क्योंकि आने वाले टाइम में तो आगे आगे टफ ही होते जाएंगे एग्जाम्स। आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने इतनी वैकेंसियां तो निकालनी नहीं है, जॉब देनी नहीं है गवर्नमेंट, तो एग्जाम्स का लेवल टफ होता जाएगा। तो अपनी अभी से अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपका अभी जो नेक्स्ट दिसंबर और जनवरी में होगा सीटेट, उसमें आप अपना फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लो। मैंने तो खुद 2015 में अपना सीटेट पेपर 2 क्लियर किया था, और 2021 में मैंने अपना सीटेट पेपर 1 क्लियर किया था। मुझे था कि बीएड कैंडिडेट को PRT में चांस मिलेगा, इसलिए मैंने पेपर 1 भी दे लिया, लेकिन अब तो बीएड को आउट ही कर दिया है PRT से। चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, निराश मत होइए जिनका क्लियर नहीं हुआ है, अब देखिए आपकी कहाँ कमी रह गई है, अच्छे से दोबारा से सिलेबस को पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आप लोगों का जरूर पेपर क्लियर होएगा। और चलिए, बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।